तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटेक में। मेरे यार, अगर आप अपने फ़ोन में शेयर चैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, काफ़ी समय से कर रहे हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो, लेकिन अब ये आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेने लगा है, यानी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपके फ़ोन की लेने लगा है, जिससे कि आपका फ़ोन कभी कभार हैंग हो जाता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप इस प्रॉब्लम का कैसे छुटकारा पा सकते हो। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, कि आप लोग चुपके से वीडियो देख रहे हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। सपोर्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करिए चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। मेरे यार, अगर आप अपने फोन में शेयर चैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, काफी समय से कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, लेकिन अब ये आपके फोन में बहुत ज्यादा स्टोरेज लेने लगा है, नहीं कह सकते हो, जिससे कि आपका फोन कभी कभार हैंग भी हो जाता है। अगर आपके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको इसके स्टोरेज को कैसे फ्री अप करना है, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे यार, इस एप्लीकेशन पर टैप किए रहना। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पर चले जाना है। सिंपली आपको यहाँ पर टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो उसके बाद स्टोरेज यूसेज पर चले जाना। स्टोरेज यूसेज पर जाने के बाद आपको दोनों मेमोरी क्या कर देनी, इसकी क्लियर कर देनी। क्लियर कैच और क्लियर डाटा आप दोनों को दोनों कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको कहाँ जाना है मेरे दोस्त, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है शेयर चैट। शेयर चैट आपको सर्च करने के बाद सिंपली भी मेरे यार बहुत आसान तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट का आपको ऑप्शन दे रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये आपके फ़ोन में रियल वैल्यू में रहेगा और रियल वैल्यू में ही आपकी मेमोरी लेगा, इससे आपके स्टोरेज ज़्यादा खपत नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।